इंसान आदिकाल से अपने मन की बात कहने को आतुर रहा है। कभी इसके लिए उसने चित्र बनाए, कभी साहित्य रचे, तो कभी दीन दुखियों की सेवा की। मन की व्याकुलता और संवेदनशीलता तब खूब पनपती है जब उसे शांत और व्यवस्थित माहौल मिले। सुव्यवस्थित शहर चंडीगढ़ में रह रहे श्री कश्मीरी लाल जाकिर मानव मन की ऐसी ही एक तरंग का नाम है जो समाज से कुछ कहना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जाने माने लेखक साहित्यकार श्री के एल जाकिर हरियाणा उर्दू अकादमी के सचिव भी हैं और भारत सरकार और कई निजी संस्थाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते आए हैं। 7 अप्रैल 1919 को पश्चिमी पंजाब के बेगा बनियान गांव में जन्मे, जो अब पाकिस्तान में है, जाकिर ने लगभग 80 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक और यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा, श्रमिक शिक्षा, पर्यावरण और जनसंख्या शिक्षा पर भी कई पुस्तकें लिखी हैं। खजुराहो की एक रात, जाकिर की 3 कहानियां, हथेली पर सूरज, अंगूठे का निशान, उदास शाम के आखिरी लम्हे, लम्हों में बिखरी जिंदगी इत्यादि आपकी कई प्रसिद्ध और पुरस्कृत पुस्तकें हैं। आम से खास वर्ग तक जाकिर जी की संवेदना भरी लेखनी की छुवन महसूस की जा सकती है। जाकिर साहब, आपका इल्मी और अदबी सफर कमोबेश 50 साल से जायद पर मुहित है। मैं जानना ये चाहूंगा कि जिस वक्त लोग जंगे आजादी की तहरीक में शामिल हो रहे थे, आपने कलम का ही रास्ता क्यों अख्तियार किया? देखिए, लड़ाई में दो ही रास्ते हैं जंग में। एक तो आप हथियार और गोली बारूद लाइए और उससे लड़िए, और दूसरा तरीका है कलम का। अब कुछ लड़ाइयाँ जो हैं उनमें तो आपको बारूद की ज़रूरत है, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जो आप समाज से लड़ते हैं, माशरे से लड़ते हैं, अपने निज़ाम से लड़ते हैं, उसमें शायद बारूद की और हथियार की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपको ज़रूरत होती है कलम की। आपने लोगों की सोच को मोड़ना है, जिस तरीके से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसमें तब्दीली लानी है। अब ये वो ज़माना है जिस वक्त आप जंग में बारूद की ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त आपको कलम की ज़रूरत थी। जहाँ मेरे और दूसरे साथी, जिनका नाम किसी वक्त बाद में लूँगा, वो भी उस लड़ाई में शरीक हुए, कलम की लड़ाई में, तो उसी लड़ाई में मैं भी उनके साथ शामिल हुआ। मैं ख़ास तौर से जानना ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा राइटर, कोई ऐसा बड़ा अदीब, शायर होगा जिसने आपके जहन को हॉन्ट किया हो और आप उससे खुसूसी तौर से मुतासिर हुए हों? ये शमसा, बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो दूसरों से बहुत कम मुतासिर होते हैं। गोर के उटाई इसराइल ने मुझे किया, गालिब और इकबाल ने मुझे किया, टैगोर का बहुत ज़्यादा मुझ पर असर रहा, और मुंशी प्रेमचंद का, शरद चंद्र का बेहद रहा, क्योंकि वो मतवसत दर्जे से जुड़े हुए राइटर थे। ये ठीक है, मैंने मुंशी प्रेमचंद की तरह देहात में जाके उनके मसलों को तो नहीं पकड़ा, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का जो एक निज़ाम को बदलने वाला एक प्रोसेस था, वो मैंने लिया। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि मैं एक आदमी का नाम लूँ, वो ज़रा मुश्किल बात है। आप गुज़िश्ता 50-55 बरसों से लिख रहे हैं, और यानी आज़ादी के बाद उर्दू अदब हो या किसी भी ज़बान का साहित्य हो, उसने कई ट्रेंड लिए। आजकल के ज़माने में जो अदब लिखा जा रहा है, जो साहित्य तैयार हो रहा है, उसमें और गुज़िश्ता 50 बरस के अदब में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक ऐसे मसले हैं जो बुनियादी हैं, वो तो आप किसी भी दौर में ले जाएं वो वही रहेंगे।
बुनियादी मसला इंसान है। अब अगर इंसान को निकाल के आप अदब पैदा करेंगे तो अदब तो नहीं होगा वो, अब कंप्यूटर से तो अदब पैदा हो सकता है। अगर इंसान को आप लाना चाहते हैं और इंसान आपकी इकाई है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, मजदूर है, किसान है, सरमायादार है, इंसान है, तो जब तक आप इंसान आपका बुनियादी मसला है और उसको आप पूरी तरह से गिरफ्त में नहीं लाते, उसके हर पहलू पे आप नज़र नहीं रखते, तो अच्छा आदम नहीं बनेगा। अब जो नई तरीक़ें हुई उसमें मसलन ये अलामती अफसाने शुरू हुए, अब अलामती अफसानों में इंसान को उन्होंने एक सिंबल बना दिया, एक मर्द एक सिंबल है, एक औरत एक सिंबल है, एक बच्चा एक सिंबल है। अब भाई और तो आप नाइंसाफियाँ कर लें इंसान से जितनी मर्जी हैं, लेकिन वो आपको ये इजाज़त नहीं देगा उसे एक सिंबल बना के रखते हैं, अलामत बना के रखते हैं और उसका वजूद ख़त्म करते हैं। चुनाचे जब शुरू हुई अलामती कहानियाँ, लोगों ने कहा एक नया तजर्बा है, उस पर बातें हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आने लगी बात कि अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं तो उस कहानी के जो उसका इब्तदा, उसका मरकज़ी ख्याल, उसका एक क्लाइमेक्स अगर वो नहीं है तो कहानी तो नहीं बनेगी। तो कहानी बनाने के लिए तो आपके कहानी के जो पूरे अनासिर हैं वो तो आपको साथ लाने पड़ेंगे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसी जगह पे आ गए। आज के ज़माने में एक राइटर का क्या रोल है? देखो, राइटर के रोल को डिफाइन करने के लिए थोड़ा इसको थोड़ा फैलाना पड़ेगा। राइटर का रोल तो हर दौर में है और हर मुल्क में है, हर जगह है। अब राइटर के दौर के दो हैसियतें हैं, एक राइटर का ज़िंदगी से ज़िंदगी में क्या रोल है उसका, एक उसका समाज में क्या रोल है। तो ये दोनों को आप थोड़ा डिफाइन करेंगे तो बात बनेगी। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा अदब वही है जो इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाए। अगर आप एक अच्छा नावल पढ़ते हैं या अच्छी कहानी पढ़ते हैं, अगर आपकी सोच में फ़र्क पड़ता है, आपके नज़रियात बदलते हैं, तो अच्छा अदब है। अदीब रिफॉर्मर नहीं है, वो इशारा कर सकता है कि भाई ये आपके समाज में त्रुटि है, अब आपका काम है उसको कैसे करें। वो त्रुटि नहीं आपके दिख करता, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके गंदगी का ढेर पड़ा है, तो वो आपको ये इशारा कर देगा ये गंदगी का ढेर है। अब अगर उससे ये भी तवक्को रखें कि वो सिर पर उठा के भी ले जाए और फेंक दे, वो नहीं कर सकेगा। तो राइटर साहब उतना ही काम लो, उस पर उतना ही बोझ डालो जितना बेचारा वो सह सकता है, इससे फालतू ना डालिए, वो और लोगों का काम है, राइटर का नहीं। कश्मीर लाल जाकिर साहब ने जितने भी अफसाने लिखे हैं, नावल लिखे हैं, वो सब मौजूदा हालात और मौजूदा दौर के तहत लिखे हैं और बहुत तेज़ी के साथ अपनी राइटिंग्स को लिखते हैं। कश्मीरी लाल जाकिर साहब की तर्ज़ तहरीर बहुत सादा और आसान जुमलों के अंदर होती है, वो बड़ी मुश्किल से मुश्किल बात को भी बहुत रवानी और सादा जुमलों में कह जाते हैं। जाकिर साहब का नावल कर्मावाली पढ़ा था और कर्मावाली का किरदार बिल्कुल दिल को छू गया था और काफ़ी अरसे तक मेरे दिलो दिमाग पर वो असर करता रहा, जो आम लोगों के घरों से जुड़ा हुआ है और एक ऐसी त्रासदी से जुड़ा हुआ है जब छोटी छोटी खुशियों और गमों में लोग खलल डालते हैं या आम लोगों की ज़िंदगी की तकदीरें जब टेबल पर बैठ के बांट दी जाती हैं, सरहदों में उन्हें बांट दिया जाता है, तो लोग किस तरह की त्रासदी से गुजरते हैं वो सब उसमें था। चलो भाई चलिए। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
اشهد ان محمد رسول الله. اس پردے سند عزت ہن تیرے ہاتھ پر جائے, میں اپنے جگر دا ٹکڑا تیرے کول چھڈ کے جا رہی ہوں, اپنے نال صرف اپنے کھیتاں دی مٹی لے کے جا رہی ہوں. اس یقین نال کہ سب رومال وچ لپیٹیا ہے قرآن پاک ساڈی حفاظت کرے گا. ضرور کرے گا, ضرور کرے گا کرمو, ضرور کرے گا. فیض دین, خدا حافظ وکیلہ بہن. خدا حافظ فیضادی. اور سدا سب کچھ تیرے حوالے ہے پرچائی, میں اپنا وعدہ یاد رکھاں گی. میرا قصور معاف کریں پرچائی. کسی دا کوئی قصور نہیں, اللہ سب دا والی ہے. خدا تھوڑی حفاظت کرے گا. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک قلمکار جو اچھے اور اعلیٰ عہدے پر بھی فائز ہے, یعنی ایک کشل ایڈمنسٹریٹر بھی ہے, تو یہ دو چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ایک ساتھ نہیں پائی جاتی. لیکن آپ نے بیک وقت لکھا بھی ہے اور ایک اعلیٰ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں. مجھے بتائیے یہ کہ ان دونوں چیزوں کا توازن آپ کس طرح سے برقرار رکھ سکے. ایڈمنسٹریٹر بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے, ایک اکائی ہے. اس کا بھی جو لین دین ہے, اس کا بھی جو واسطہ ہے, انسانوں سے پڑھتا ہے. ادیب جو کچھ لکھتا ہے اس کا واسطہ بھی انسانوں سے پڑھتا ہے. فرق یہ ہے, اگر ایک ایڈمنسٹریٹر اپنی فائلوں میں الجھا ہوا ہو جیسے میں ہوتا ہوں, تو وہ جو ان کے مسئلے ہیں انسانوں کے مسئلے ہیں, نہ چاند کے مسئلے ہیں نہ ستاروں کے مسئلے ہیں, انسانوں کے مسئلوں کو وہ سلجھا رہا ہے. اور وہ انسان فائلوں میں بند ہیں, بے زبان ہیں, وہ بول نہیں سکتے, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مسئلہ یہ ہے, مجھے انصاف چاہیے. فائل کا آدمی نہیں بول سکتا, لیکن معاشرے کا آدمی بولتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, میرے ساتھ احتجاج کا مسئلہ ہے, مجھ سے جو کچھ میں مانگتا ہوں مجھے نہیں مل رہا, وہ بولتا ہے. فائلوں میں قید آدمی بولتا نہیں ہے. اگر ایک ایڈمنسٹریٹر ایک ادیب ہوگا تو وہی مسئلے جو اس کو بند فائلوں میں ملتے ہیں, وہی مسئلے اس کو معاشرے میں ملتے ہیں, سامنے ملتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے جس کے دل میں درد ہے, جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے, امن چاہتا ہے, وہ کوشش یہ کرے گا کہ جو مسئلے باہر ہیں وہ فائلوں میں اگر قید ہیں, اس آدمی کو انصاف چاہیے, اس آدمی کو جو کچھ اس پہ ظلم ہو رہا ہے اس سے اس کو چھٹوانا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا آدمی اگر وہ ادیب بھی ہے تو وہ فیصلے بھی اچھے کرے گا. یادوں کی اس لمبی فہرست سے نکل کر جب ہم ورتمان میں قدم رکھتے ہیں تو ساہتیہ کار پرشاسک شری زاکر کے ویکتتو کا
समाज सेवी आयाम सामने नजर आता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती को आपने शिक्षा प्रसार अभियान के लिए गोद लिया हुआ है। शिक्षा प्रसार के अतिरिक्त इनकी अन्य समस्याओं के प्रति सजग जाकिर जी अपने व्यस्त दिनचर्या से इनके लिए समय निकालकर काम करते हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे उनका कैरियर संबंधी मार्गदर्शन भी करते हैं और अनिवार्य सहायता प्रदान करते हैं। कश्मीरी लाल जाकिर जी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही संस्था श्रमिक विद्यापीठ के मानदेय अध्यक्ष भी हैं और इस नाते वो बेरोजगार युवाओं की सहायता करने में ज्यादा सक्षम भी हैं और वक्त पड़ने पर लोगों के काम आना वैसे भी उनके स्वभाव में है। आज ऐसे कई लोग हैं जो उनकी लेखनी से मुतासिर हैं और उनकी व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित महसूस करते हैं। एक ऐसा नाम है कश्मीरी लाल जाकिर का, कहानी देती है जिसको खुद पन का अंदाज। कश्मीरी लाल जाकिर से मैं बहुत दिन पहले से वाकिफ हूँ, जब से मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया, जब से मैंने इनको ज़्यादा करीब से जाना। यूँ तो ये बहुत पुराने लिखने वाले हैं, जब से आज के अदीब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इनके कलम में ना तो वो रुकावट है ना किसी थकन का एहसास है। कश्मीरी लाल जाकिर के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो किसी उसकी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। कश्मीरी लाल जाकिर ने नावल बहुत लिखे हैं और इनके नावलों में जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुतवस्सित तबके के मसाइल भी इन्होंने बहुत लिए हैं। लेडीज़ के प्रॉब्लम्स को इन्होंने अपने नावलों में बहुत जगह दी है। ये नहीं है कि इन्होंने मुतवस्सित किरदारों को सिर्फ जाना, परखा, लिखा, बल्कि इन्होंने गहराई से उसका मुताला करके उसके अंदर डीपली उसके अंदर जाके इन्होंने अपनी फ़न को लिखा है और जिससे हम बहुत मुतासिर होते हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखने वाले श्री जाकिर को कई जाने माने पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 1986 में आपको भारत के राष्ट्रपति ने गालिब सम्मान से नवाजा। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर प्रख्यात राष्ट्रीय नेहरू शिक्षा सम्मान आपको प्रदान किया गया। आपके साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संघ शासित क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से आपको सम्मानित किया गया। उर्दू साहित्य में आपकी बेमिसाल रचनाओं के लिए राष्ट्रीय मेहदी नाज़मी सम्मान भी आपको मिला। यही नहीं, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला आपका लिखा नाटक कर्मावाली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में मंचित किया गया है। राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग जाकिर जी ने दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूरी, महिला समस्या और राष्ट्रीय एकता जैसे ज्वलंत विषयों पर भी अपनी लेखनी का सूक्ष्म और रचनात्मक प्रयोग किया। उनकी ऐसी कई पुस्तकों का भारतीय भाषाओं ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक राइटर की हैसियत से अगर आप इतने बड़े कलमकार ना होते तो क्या होते? अगर मैं ये काम नहीं करता तो या मैं फौज में चला जाता या मेरी ज़मीनें बहुत थी उनमें काश्त करता, तीसरा काम और नहीं कर सकता था मैं। तो मैंने दो वो रास्ते छोड़ के बीच का रास्ता अख्तियार किया कि अगर मैं गोली चलाऊँ वो मैं चला नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मानता। काश्तकारी बड़ी मेहनत और मशक्क़त का काम है, वो मुझसे हो नहीं सकती। तो मैंने कहा ये कलम की मजदूरी करना आसान है, इसको कर लो। ये रास्ता मैंने पकड़ लिया। अब ये खुदा का फजल है कि उसमें मैं कुछ आगे आ गया हूँ। ये अपने भरे पूरे खुशहाल परिवार के साथ खुशियों के पल बिताने का अवसर यूं तो आपको कम ही मिलता है, मगर जब भी ये लम्हे हाथ आते हैं
वो इनका पूरा लाभ उठाते हैं और घर में प्यार और रौनक की छटा बिखेरते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की संपादन कार्य में व्यस्त रहने वाले श्री जाकिर अपनी लिखने से जीवन में आशा का रंग भरते हैं। लगभग 76 वर्षों भरे अपने अतीत की ओर जब जाकिर जी पलट कर देखते हैं तो जहन में उन यादों की तस्वीर के रंग कभी गहरे कभी धुंधले होकर पेश आते हैं। कला जगत की कई महान हस्तियों के बीच रहकर आपने कला जगत के अविस्मरणीय पलों को जिया और कई मित्र बनाए। उर्दू शायरी की उर्दू नसर की कोई भी सिंफ हो हर उस रेफरेंस से आप वो नाम जानते हैं। जनाब कश्मीरी लाल जाकिर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब जाकिर साहब, बड़े शफीक बड़े गमशनास लगती हैं तुम्हारे शहर की गलियाँ उदास, बड़े शफीक बड़े गमशनास लगती हैं तुम्हारे शहर की गलियां उदास लगती हैं। वो दर्दमंद निगाहें जो छिन गईं मुझसे कभी कभी तो मुझे आसपास लगती हैं। बड़े शफीक बड़े गमशनास लगती हैं तुम्हारे शहर की गलियां उदास लगती हैं। वो दर्दमंद निगाहें जो छिन गई मुझसे कभी कभी तो मुझे आसपास लगती हैं। एक और कतार करता हूं कि मेरी गली में ये आहट थी किसके कदमों की। अदा सब सुनो, मेरी गली में ये आहट थी किसके कदमों की, ये कौन चांद से दामन बचा के गुजरा है। मेरी गली में ये आहट थी किसके कदमों की, ये कौन चांद से दामन बचा के गुजरा है। मेरे उदास दरीचे मुझे बताते हैं बड़े ही दर्द से कोई बुला के गुजरा। मेरे उदास दरीचे मुझे बताते हैं बड़े ही दर्द से कोई बुला के गुजरा। अब इसी तरह के कथा और सुनिए कि तुम्हारी याद के कैसा सुन, तुम्हारी याद के उजड़े हुए उदास चमन निखर रहे हैं मेरे दर्द की फवार के साथ। तुम्हारी याद के उजड़े हुए उदास चमन निखर रहे हैं मेरे दर्द की फवार के साथ। मैं सोचता हूँ कभी तुम भी लौट आओगे, तुम्हारा भी तो ताल्लुक है कुछ बाहर के। प्रकृति द्वारा दी अनमोल प्रतिभा के धनी जाकिर जी अपनी कलम को जब समाज सेवा की स्याही से लिखते हैं तो साहित्य की एक आला और पढ़ने योग्य कृति मुखर हो उठती है। जीवन के 8वें दशक में भी जिंदा दिली और स्फूर्ति से अपने कार्य में ईमानदारी से जुटे जाकिर आज की युवा पीढ़ी के सामने कर्तव्य परायण संवेदनशील लेखने की मिसाल हैं। पाठकों को जहां आपकी आगामी सृजनशील कृतियों का बेसब्री से इंतजार है, वहीं इंतजार है दीन दुखियों और असहायों को
आपके दुलार भरे मजबूत सहारे की।